ये एमएससीआई इंडेक्स में होने जा रहे हैं बदलाव और ये बदलाव लागू होंगे आज बाजार बंद होने के बाद। क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन अंदर आ रहा है, किसकी हो रही है छुट्टी, बताने के लिए तैयार है नुपुर। नुपुर बताएं एमएससीआई इंडेक्स में आज से क्या बदलाव लागू होंगे। बिल्कुल सर, एमएससीआई के आज से बदलाव लागू होंगे। क्लोजिंग के बाद से दो स्टॉक है जो इंडेक्स का पार्ट बन जाएंगे, सीजी पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एक्सपेक्टेड जो अनुमान है इनफ्लो का वो मैं आपको बता देती हूँ। सीजी पावर में एक्सपेक्टेड जो इनफ्लो आ सकता है वो करीबन 1350 करोड़ का आ सकता है। 0.27% का वेटेज इसका एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसका हो सकता है, तो ये स्टॉक फोकस में आज। बैंक ऑफ बड़ौदा भी जहां पे 1130 करोड़ के आसपास का अनुमान है कि इनफ्लो 0.23% के आसपास इसका वेटेज इस इंडेक्स में हो सकता है। बाहर कौन जाने वाला है इंडेक्स से, तो बायोकॉन ऐसा स्टॉक है जो यहां से बाहर हो जाएगा। 580 करोड़ का अनुमान है कि यहां से आउटफ्लो दिखेगा, सेलिंग दिखेगी, तो ये स्टॉक में थोड़ा दबाव रह सकता है। वेटेज भी कुछ स्टॉक्स में कम हो रहे हैं और वेटेज बढ़ाए भी जा रहे हैं एमएससीआई की तरफ से। कम होने की लिस्ट पहले पुलअप करें तो वहां पे अदानी एंटरप्राइजेस जहां पे 850 करोड़ का अनुमान है कि आउटफ्लो दिख सकता है, वेटेज कम होने वाला है करीबन 0.20 बेसिस पॉइंट से, यहां पे वेटेज कम हो सकता है। एचसीएल टेक जहां पे 780 करोड़ का अनुमान है आउटफ्लो का। जिंदाल स्टील एंड पावर 150 करोड़ के आसपास का। श्रीराम फाइनेंस और एसीसी भी कुछ स्टॉक है जहां पे वेटेज आज एमएससीआई अपना रीबैलेंसिंग के बाद कम करेगी। कहां पे वेटेज बढ़ने वाला है, तो उसमें सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद एचडीएफसी, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा कंसल्टेंसी। ये कुछ स्टॉक है जहां पे एमएससीआई अपना वेटेज बढ़ाएगी और आपको उसके चलते यहां पे भी थोड़ा इनफ्लो दिखेगा। दो हफ्तों पहले जब एमएससीआई ने अदानी ग्रुप को लेके जो बदलाव किए थे एमएससीआई में, वो अब हॉल्ट पे, तो उसके चलते जो इंक्लूजन वाले स्टॉक के जो वेटेज बढ़ने वाले स्टॉक है उनमें थोड़ा इस बार कम वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि आउटगो कम हो रहा है, वेटेज कम हो रहा है अदानी का दो हॉल्ट पे, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है दो हफ्ते पहले और अब में। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिलायंस में करीबन 66 करोड़ का इनफ्लो दिखेगा और एचडीएफसी में देखेंगे तो 40 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आपको दिखेगा। तो बड़े स्टॉक्स में भी थोड़ा इनफ्लो दिख सकता है, एंड ऑफ कोर्स सीजी पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा।